कांवड़ ने जब गांव में प्रवेश किया तब उसके साथ नाचते गाते बहुत सारे लोग भी गांव वाले जो हैं वो यहां पर इसके साथ थे। क्या कुछ उस दौरान हुआ, हादसा ये पूरा कैसे हुआ, कुछ महिलाएं हैं जो भी उस समय घटना जब ये घटना हुई तब मौजूद थी। आपका नाम क्या है, राजकली। क्या कुछ हुआ उस दौरान जब ये अचानक से ये पूरा हादसा हुआ? हम जी पहले हम डांस कर रहे थे, नाचते जा रहे थे, एकदम हम डांस नाच रहे थे। भोले ने हमें जब टच हुआ ना तार तो हमें मतलब प्रयोग कर दिया, प्रयोग चल रहे थे, भाग लिया बस। हम तो फिर हमने देखा जी कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, हमें तो बस भगा ही दिया ऐसे बस। भगाया भाई, हमने सोचा लड़ाई होगी, बोलो नहीं हाँ मैं कल लड़ाई होगी। चले गए, कितने लोग आप लोग थे? हम तक पूरा हजुम था। क्या नाम है आपका? कौशल। कितने लोग आए थे? होंगे बहुत जना, 100 थे, जना 150 थे, कितने ही थे, 100-200 हजारों आदमी, बहुत पब्लिक थी, आगे भी पीछे भी सभी थे। क्या लगता है किसकी गलती से, गलती की वजह से ये पूरा जो हादसा है वो क्या? लाइट की गलती है। 11,000 की लाइन है हमारे गांव में भी, राली में लाइन 11,000 की आ रही है, बहुत ज्यादा है। 11,000 की लाइन आ रही है हमारे गाँव में, हमारे भीतर अंदर, वो भी हटनी चाहिए, उससे भी बहुत होता रहता है गांव में भी। तो हो भी एक बार, कई बार होली हो चुके हैं, और पहले ही होगा, पकड़ी गई है। आप लोग वहां पे बैठी हुई थी, क्या कुछ मांग है, क्या मतलब प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? जब तक कुछ हुआ नहीं, जो मांगेंगे वे बड़े तो मैं देखता रहता, वही तो मांगेंगे। हम कैसा मांगेंगे, लेडीज कैसा मांगे, जो हमारे साथ में आदमी है वही तो मांग सकते हैं। जी जी जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार है। मैं मांग ये है पब्लिक की, 11,000 की लाइन है, और सुनो सुन तो लो जी। अच्छा, हम देखते हैं सब जगह बाजारों में रबड़ सहित होते हैं वे, है नहीं, और यहाँ छोटे छोटे खम्भों पर 11,000 की लाइन छोड़ रखी है। कई हादसे हो गए, कितने आदमी हमारे गांव मर गए, छोटे छोटे खम्भों पर ट्रांसफार्म धर धर कर 11,000 की छोड़ रखी है लाइन। एक बात बताइएगा, जब ये लाइन यहाँ से जा रही थी तब आप लोगों ने जेई से शिकायत नहीं की थी, या फिर जो यहाँ पर देख रेख कर रहा था प्रशासन वाला उसको आपने कुछ नहीं कहा था? कह चुके हैं जी उन्हें, वे बात नहीं मानते, सरकारी आदमी को थोड़ी कुछ कार्रवाई नहीं है जी। और हम देखते हैं दूसरे के जिलों में, गांव में सारे ऐसे ऐसे मोटे के ऊपर रबड़ चढ़े हुए तार हैं, और ये नंगे तार हैं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक आप लोग ऐसे ही यहाँ पर रोड बंद करके बैठे रहेंगे? तब खोल देंगे रोड थोड़ी देर के बाद। बात चल रही है, बात चल रही है, अभी कोई हंगामा नहीं है, कुछ नहीं है, लेटर लिखा जा रहा है, बैठ कर समझदारी से लिखेंगे, जैसे जैसे कितने आदमी ऐसे ऐसे हो गए, सब चीज़ लिखा जा रहा है बैठ कर, क्या क्या हादसा हुआ, हाँ सब चीज़ जानकारी हो रही है। ठीक है जी, तो इस तरह की साफ मांगे, पब्लिक कोई नुकसान नहीं करना चाहती। ठीक है, तो साफ तौर से बड़ा आरोप जो है प्रशासन के ऊपर वो लगा रहा जा रहा है कि जो लाइन है वो गांव तक ऐसे ही गई है, और काफी नीची है उसकी हाइट है, जिसके चलते काफी ज्यादा खतरा जो है वो गांव वालों के ऊपर बना हुआ है। प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए। राली चौहान गांव में हुई कांवड़ियों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर जो औरतें हैं वो बिलख रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं। आखिर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी कांवड़ियों की, जो वो तो सिर्फ अपने वहां से हरिद्वार से पानी भरकर वापस लौट रहे थे जी। अब कुछ लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे। चाची आप बात करेंगी? अरे मेरे तो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेरे, दीदी ने कहिए क्या कह रहे हैं? लूट गए भैया, भैया लूट गए, अरे मैं तो लूट गई। चाची बताइए, भगवान ये बेचारे जवान जवान बालक इतने मरे, कुछ तो होना चाहिए इनके लिए। 1 साल का बच्चा था छोटा सा, मेरा तो 12 साल का था, बिजली ने पकड़ लिया। आपके चाचा एक लाई था, इसका बच्चा आके बेटा था, हमारी बहन ही है, पकड़ लिया जवान जवान। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें हैं, बिलख बिलख के पूरा परिवार यहाँ पर आंसू बह रहा। जी चाचा आपका नाम? मान सिंह।
क्या कुछ है यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? कौन था आपका, आपका कौन था जिसकी डेथ हुई? गाँव नहीं, हम तो बाहर से आए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार थे ये। जी बच्ची, आपका बेटा कौन था? भाई। कितने साल थी? 18। क्या नाम था? मनीष। यहाँ पे बैठी थी, क्या कहेंगी, कैसे, क्या किसकी गलती है, आपको क्या लगता है? लैंडमैन की गलती है। लैंडमैन की गलती है भैया, लैंडमैन की। बालकों ने फोन करा, लैंड काट दो, लैंड काट के गैल जोड़ दी। अरे मेरा बच्चे इसमें रह गया, खा गया। अरे हमारा लाल भरे गांव में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बच्चे भी नहीं है, भरे गांव में भरे बालक मर गए, गांव में झोपड़ा ना जंगल में। आपके जी, आपके जी, इनके सुहाग। क्या नाम था? महेंद्र। इस तरह की तस्वीरें हैं मेरठ के राली चौहान गांव की, जहां पर जो महिलाएं यहां पर अभी काफी देर तक यहां पर बैठी हुई थी, देख सकते हैं काफी ज्यादा रो रो कर इनके हाल जो है बेहाल हो गए हैं। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के छोटे बच्चे थे वो गुजर गए। इस करंट की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और जिनमें से जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लाइन मैन ने समय रहते जो बिजली क्यों नहीं काटी, और उस बिजली आने की वजह से 11,000 जो हाई वोल्टेज की वाली लाइन थी उसमें करंट आ गया, जिसके बाद अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि लाइनमैन ने, जब उसे पता था कि आज कांवड़िए वापस आ रहे हैं गांव में, तो उसने लाइन क्यों नहीं काटी, बिजली आखिर क्यों वापस गांव में फिर से आ गई। मेरठ के राली चौहान गांव में बड़ा हादसा हुआ है, कई सारे जो कांवड़िए हैं उनकी मौत हो गई है। 11,000 हाई वोल्टेज करंट का झटका वो डीजे पर लगा, उसके बाद उस झटके के शिकार की चपेट में कई सारे कांवड़िए आ गए। मेरे साथ बात करने के लिए एडीएम अमित जी हैं। सर, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके बारे में कब आपको जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया? हम लोगों को शाम को जानकारी हुई 7 बजे तक कि इस तरह से घटना हो गई है। फिर हम लोग तत्काल सभी लोग मौके पे डीएम साहब, एसएसपी साहब और पूरी पुलिस फोर्स के साथ आए यहाँ पे, क्योंकि तार में विद्युत मतलब विद्युत करंट की वजह से प्रॉब्लम हुई। तो फिर लोगों को, जितने लोग थे, हम 12 लोग थे, 12 लोगों को हम लोग तत्काल जो यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल थे उन हॉस्पिटलों में यहाँ के लोगों के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल में भेजे और उनका इलाज करवाने की पूरी व्यवस्था लगातार हम लोग रात से लगे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। सर, अगर मरने वालों की संख्या बात की जाए तो अब तक कितनी हो गई है? क्योंकि वो लोग हरिद्वार से बीते 4 जुलाई को गए थे और कल का दिन निश्चित था, उन्हें आना था घर में, लेकिन इन सब के बावजूद जो लाइट है वो भी कनेक्शन ऑन रखा गया, शट डाउन नहीं किया गया। नहीं, मरने वालों की संख्या 6 लोग की मृत्यु की है सूचना अभी हम लोगों को, और शट डाउन की जहाँ तक बात है, शट डाउन किया गया था, लेकिन है कि जो अभी तक जानकारी में मिली है, मैं उस पूरी घटना को मैं जांच करूँगा। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे उसकी घटना की जांच के लिए बनाया है, मैं अभी हर बिंदुओं पे जांच करके उसमें देखूँगा। सर, गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब ये लाइन 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन काफ़ी नीचे है, रोड भी काफ़ी मतलब बहुत कम चौड़ी रोड है, और गांव के अंदर भी इसी तरह की जो 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन वो जा रही है, अंदर भी गांव वालों के ऊपर इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, वो सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह की है ये, चूँकि यहाँ आने के बाद ही पता चला, अभी उससे पहले हम लोगों को संज्ञान में नहीं था, वो सभी बिंदुओं पे जांच। जेई के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, जिसकी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारे महिलाएं जो है वो रोड ब्लॉक करके बैठी हुई हैं, क्या कुछ उनकी मांग है, क्या उनका मतलब जो है वो प्रशासन को क्या कहना चाहिए? नहीं, उनकी मांग है प्रशासन की, मतलब कंपनसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनसेशन जो भी नियमानुसार होगा वो हम लोग दिलवाएंगे, और उनसे हम लोगों की पूरे गांव वालों से सबसे लगातार बात हो रही है और बहुत पॉजिटिव में हो रही है, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत दुखद है, और उस दुखद घटना की जो अगर जिन लोगों की क्षति हुई है उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन है कि पूरा जिला प्रशासन और शासन स्तर पे इस घटना से दुखी हैं और हम लोग उनका प्रयास करेंगे हर संभव मदद करने के लिए। इलाज हम लोग जो जिले के जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सब लोगों का इलाज चल रहा है और प्रशासन उस पर सतत निगरानी रखा हुआ।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज मेरठ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर।